वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास सातवीं का मैथ्स लेके आए हैं, जिसमें आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और चैप्टर नंबर 4 का नाम है कोण तथा कोणों की जोड़ियां। तो इससे पहले की वीडियो में हमने कोण के बारे में पढ़ चुके हैं। कोणों की जोड़ियों में हमने संलग्न कोण पढ़ा, कोटिपूरक कोण पढ़ा, ये दो जोड़ियां हम लोग पढ़ चुके हैं। आज तीसरी जोड़ी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समपूरक कोण। ये नाम आपको बहुत बार चर्चा में आएगा, इसलिए आपको ये सरल होता है, लेकिन क्या होता है समय अनुसार इसको आप क्या करते हैं भूल जाते हैं। तो याद रखिए कि जिन दो कोणों के मापों का योगफल होता है 90 अंश से कहा जाता है कोटिपूरक कोण, और जिन दो कोणों के मापों का योगफल होता है 180 अंश उन्हें कहा जाता है समपूरक कोण। और इसी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे अध्ययन करेंगे, और इसी से रिलेटेड प्रश्न संग्रह हम लोग क्या करेंगे 17 को हल करेंगे। तो अभी आप अगर इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं और आपने अगर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को क्या करें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आपको इस प्रकार के सभी क्लासों का सवाल यहां पर जरूर मिलता रहेगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है समपूरक कोण। समपूरक कोण के बारे में हम लोग क्या करेंगे अध्ययन करेंगे और उसी से रिलेटेड आज सवालों को क्या करेंगे हल करेंगे। समपूरक कोण से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, और यही हमारा क्या है लक्ष्य है उद्देश्य है। तो समपूरक कोण मतलब जैसे मैं आपको बता दिया कि ऐसे दो कोण चाहे वह संलग्न कोण हो चाहे वह अलग अलग हो, समपूरक कोण ज्वाइंट में भी हो सकते हैं और दोनों कोण अलग अलग भी हो सकते हैं। दो कोण की बात कर रहा हूं यानी कि कोणों की जोड़ियां हैं, कोणों की जोड़ियां यहां पे जो भी हम मैं संलग्न कोण की बात करूं तो भी जोड़ी में रहेगा, कोटिपूरक कोण की बात करूं तो भी जोड़ी में रहेगा, और समपूरक कोण की बात करूं तो भी वह जोड़ी में, यानी कि वहां पर दो कोण होते हैं। तो जिन दो कोणों के मापों का योगफल कितना अंश हो जाए 180 अंश हो जाए तो उन्हें कहा जाता है एक दूसरे का संपूरक कोण। चाहे वह दोनों कोण मैंने बताया कि अलग अलग हो, जैसे ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों का मापों का अगर हम लोग जोड़े जो भी उनके माप हैं अगर जोड़ने पे वह 180 आ रहा है यानी वह एक दूसरे के क्या कहलाएंगे संपूरक कोण कहलाएंगे। अगर वही दोनों कोण जुड़े हुए भी हैं और उन दोनों कोणों को क्या किया जाए जोड़ा जाए तो अगर उनके योगफल कितना आ जाए 180 अंश आ जाए तो उन्हें कहा जाएगा एक दूसरे का संपूरक कोण। जैसे मान लीजिए ये दो कोण है, ये आपको मैंने बताया 75 और 105, आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180, यानी ये एक दूसरे के क्या है संपूरक कोण। जैसे ए बी सी और यहां मान लीजिए डी है तो कोण ए बी सी और कोण सी बी डी हमेशा क्या कहलाएगा संपूरक कोण, क्योंकि इनका योगफल कितना हो रहा है 180 अंश। मान लीजिए दोनों कोण अलग अलग हैं, यहां ए बी सी है और यह आपको मैंने बता दिया 110 अंश, और एक कोण है आपको यहां पे इसका माप है 60 अंश सॉरी 70 अंश। अब इन दोनों का योगफल कितना हो रहा है 180 हो रहा है, यानी ये दोनों कोण भी क्या कहलाएंगे समपूरक कोण ही कहलाएंगे। तो चाहे वह अलग अलग हो चाहे वह एक में ज्वाइंट में हो संलग्न कोण हो, अगर उनका योगफल कितना आता है 180 अंश आता है तो उन्हें एक दूसरे का क्या कहा जाता है संपूरक कोण। ओके चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे प्रश्न 17 को शुरुआत करेंगे, और उसका सूत्र मैंने यहां लिख दिया है कि अगर एक कोण का माप दिया है और आपको पता करना है कि दूसरे कोण का माप क्या होगा तो 180 में से कोण के माप को क्या करिए घटा दीजिए तो आपको दूसरे कोण का माप ज्ञात हो जाएगा, लेकिन अगर वो देखिए दूसरे क्या हो संपूरक हो, और अगर आपको पता करना हो कि ये दोनों संपूरक कोण है या नहीं तो दोनों को जोड़िए, योगफल 180 आया तो संपूरक कोण है, योगफल 180 नहीं आया तो इसका मतलब संपूरक कोण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं, एक्सरसाइज 17 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में देखिए आपको बहुत सारे कोणों के माप दिए गए हैं, उसमें से मैं दो तीन सवाल आपको करा देता हूं, बाकी के सवाल आप लोग क्या करेंगे आसानी से कर सकते हैं। हर सवाल में आपको करना क्या है 180 में से घटा देना है। ओके जैसे पहला कोण का माप दिया है 15 अंश, तो हम लोग क्या करेंगे संपूरक कोण का माप निकालने के लिए इसका सूत्र लिख देंगे, संपूरक कोण का माप बराबर 180 अंश माइनस दिए गए कोण का माप। तो 180 अंश माइनस 15 अंश
अब इसमें से घटाएंगे 180 में से कितना आ जाएगा 165 अंश। तो इस तरह से हमारा पहले का आंसर खत्म हो गया। ऐसे आपको दूसरा हो चाहे तीसरा हो चाहे जो भी सवाल हो, हर एक में संपूरक कोण रहेगा तो 180 में से घटाना रहता है और कोटि पूरक कोण रहता है तो 90 में से घटाना रहता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब एक जीरो अंश दिया गया है, कौन सा सवाल है वो? आपको छठवां सवाल। तो छठवे सवाल में आपको जीरो अंश दिया गया, फिर से आप वही सूत्र लिखेंगे, संपूरक कोण का माप बराबर 180 अंश माइनस दिए गए कोण का माप। ओके, ये सूत्र है। अब बराबर 180 माइनस जीरो अंश, 180 में से जीरो घटाओ, 180 क्या कोई भी संख्या में से जीरो घटाओगे तो वही संख्या मिलती है, तो 180 ही आएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अगला सवाल करते हैं, लास्ट वाला सवाल, सातवां। ए अंश, तो यहां आप बता वही सूत्र लगाएंगे, संपूरक कोण का माप बराबर एक सौ अस्सी माइनस दिए गए कोण का माप। तो 180 माइनस ए अभी आपको पता नहीं कौन सी संख्या है, इसलिए यहीं पर आगे हल नहीं होगा, क्योंकि ये आपको दोनों सजाती पद नहीं है, घटाना किसके बीच में होता है, सजाती पदों में। तो ये संख्या है और ये क्या है, चरांक है, तो संख्या और चरांक आपस में घट जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसमें तीन सवाल कराए हैं, बाकी के सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, बहुत सारे यहाँ कोणों के माप नाम दिए गए हैं और उसके माप लिखे हैं, और आपको पूछा है कि इसमें से कौन सी जोड़ी संपूरक कोण की जोड़ी है और कौन सी जोड़ी कोटिपूरक कोण की जोड़ी है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कोटिपूरक कोण की जोड़ी कौन सी होती है, जिसका योगफल कितना हो जाए, 90 हो जाए, और संपूरक कोण की जोड़ी कौन सी होती है, जिसका योगफल क्या हो जाए, 180 अंश आ जाए। यानी कि आपको दो कोण ऐसे चुनने हैं जिसको जोड़ू तो 90 हो जाए तो कोटिपूरक में लिखा जाएगा, और जिन दो कोणों को जोड़ू तो 180 हो जाए वो कहां लिखा जाएगा, संपूरक कोण की जोड़ी में लिखा जाएगा। तो यहां पे हमें देखना है कि कौन से कोणों को जोड़ने पर 90 हो रहा है और कौन से कोणों को जोड़ने पर 180 आ रहा है, उसी हिसाब से उसे कोटिपूरक और संपूरक कोण में लिखा जाएगा। तो जैसे कह लिए मेजर कोण बी 60 अंश है और एन 30 है, इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, इसलिए ये कोटिपूरक में लिखा जाएगा। तो मेजर कोण बी और मेजर कोण एन, जोड़ियां लिखना है तो एम लगाने की जरूरत नहीं है, एम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ क्या लिखोगे, कोण बी और कोण एन, एक जोड़ी हो गई। ऐसी दूसरी जोड़ी भी ढूंढिए जिसको जोड़ने पे 90 हो रहा हो, पहले हम लोग कोटिपूरक का लिख रहे हैं, तो और किसको जोड़ने पे 90 हो रहा है, देखिए वाई और ई को जोड़ो तो देखो 90 प्लस 0 कितना होगा, 90 होगा, यानी कि कोण वाई और कोण ई ये भी क्या कहलाएंगे, आपको कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। और कोई जोड़ी देखिए जिसको जोड़ने पे 90 हो जाए, तो देख रहे हैं डी और एफ, 75 और 15 को जोड़ेंगे तो 90 होता है, तो कोण डी और कोण एफ। और कोई जोड़ी जिसको जोड़ने पे 90 हो जाए, इसको तो ये 90 से ज्यादा, इसको तो देखना ही नहीं है, 60 30 हो गया, ये हो गया, चलिए ये तीन जोड़ियां हैं जिसको जोड़ने पे 90 हो रहा था, ये क्या कहलाएंगे, कोटिपूरक कोण की जोड़ियां। अब हम लोग संपूरक में देखेंगे, संपूरक में एक अधिक कोण रहेगा और एक न्यून कोण रहेगा, तो देखिए 150 में कितना जोड़े, 30, तो 180 हो जाता है, यानी ये दोनों क्या हो गई, आपको संपूरक कोण की जोड़ी हो गई, तो कोण जे और कोण एन। और किसको जोड़ने पे 180 हो रहा है, तो यहां देखिए ये अधिक कोण है और 120 में 60 जोड़ते तो 180 होता है, तो कोण जी की जोड़ी किसके साथ बनेगी, बी के साथ। और कोई भी ऐसी जोड़ी नहीं जिसको जोड़ने पे 180 आए या जिसको जोड़ने पे 90 आए, तो यही हमारा क्या हो गया, कोटिपूरक कोण की जोड़ी और ये हो गया संपूरक कोण की जोड़ी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को एक साथ ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है कि एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड जिसमें कोण वाई का मान है 90 अंश, कोण वाई का मान कितना है 90 अंश, तो एक्स और जेड में कौन सा संबंध होगा, यानी वह किस प्रकार का कोण होगा,
तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कोई भी त्रिभुज रहने दीजिए, किसी भी प्रकार का त्रिभुज, लेकिन उसके कोणों का जो योग होता है वह हमेशा 180 अंश होता है। वो किस प्रकार का होता है? 180 अंश, तीनों कोणों को मिलाकर के 180 अंश होता है। अब उसमें बोल रहा है कि y का मान अगर 90 है तो x और z में क्या संबंध होगा, तो हम लोग देख लेते हैं कि हमें पता है कि y का मान कितना है 90, हम यहाँ पे रख लेंगे। पहले देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 लिखा, तो तीन कोण कौन से है? x प्लस y प्लस z, कोई भी आगे पीछे लिख सकते, बराबर कितना लिखोगे? 180। अब y की जगह 90 रख दीजिए, तो कोण x प्लस कोण z प्लस 90, क्योंकि y का मान कितना है 90, बराबर 180। अब 90 इधर उधर है, उधर जाएगा क्या जाएगा? घट जाएगा, तो कोण x प्लस कोण z बराबर 180 माइनस 90। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि ये दोनों भाई भाई है ना, लेकिन इनके पक्ष क्या अलग है, एक दाएं पक्ष में एक बाएं पक्ष में, तो बाएं पक्ष वाला दाएं पक्ष में जाए या दाएं पक्ष वाला बाएं पक्ष में आए तो उसके चिन्ह में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो ये प्लस में था यहाँ पे, इसलिए यहाँ गया, तो उसका उल्टा क्या हो गया? माइनस। अब उसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90 अंश। अब आपको अच्छी तरह से बताया गया कि ऐसे कोई भी दो कोण हो जिसको जोड़ने पे अगर 90 अंश आता है तो वह कोटि पूरक होता है। तो आप देख रहे हैं x और z का योगफल कितना आया? 90। इसलिए आप बता देंगे कोण x या z में कौन सा संबंध है? परस्पर कोटि पूरक कोण है। क्योंकि इनका योगफल कितना आ रहा है? 90। 90 आए यानी कि ये कोण की जोड़ी कौन सी हुई? कोटि पूरक। अगर 180 आता तो संपूरक कोण की जोड़ी होती। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला है कि ऐसे दो कोण हैं जो कि कोटि पूरक है और उनके बीच का अंतर उन दोनों कोणों में अगर देखा जाए, बड़े कोण में से छोटे कोण को घटाएं तो हमेशा 40 का अंतर आता है। तो उन दोनों कोणों के माप क्या होंगे? हमें पता नहीं, दोनों कोण नहीं पता है, हमने बड़े वाले कोण को क्या मान लिया? एक्स। तो छोटा वाला कोण में क्या हो जाएगा? उससे 40 कम होगा, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर कितना बोला है? 40 का है। तो अगर बड़ा कोण x है तो छोटे कोण को निकालने के लिए x में से 40 को क्या करोगे? घटा दोगे, कम है यानी कि 40 को माइनस कर देने का। लेकिन हमें पता है इन दोनों कोणों को मिला करके कितना होगा? 90, क्योंकि बोला है वो कोटि पूरक कोण है और कोटि पूरक कोण का योग कितना होता है? 90 अंश होता है। तो हमने यहां मान रख दिया दोनों कोण का। अब इसी को हल करेंगे, तो पहले -40 देखो ये भाई है उधर जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ हो जाएगा एक्स एक्स जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, प्लस प्लस समान चिन्ह है, और ये 40 का भाई उधर है तो 90, और ये प्लस क्या हो जाएगा? 40, क्योंकि माइनस की संख्या उधर गई तो क्या हो गया? प्लस 40। तो 2x बराबर 90 में 40 गया कितना, सॉरी 90 धन 40 कितना होता है? 130। तो x बराबर हो जाएगा 130। अब ये दो को लेके आना है तो फिर बोलोगे यहां से प्लस में तो यहां माइनस, नहीं, x के साथ हो किस रूप में? गुणे में। गुणे का उल्टा क्या होता है? भाग। तो नजदीक की संख्या जब जाती है तो गुणे वाली या भाग वाली, तो उसका उल्टा किया होता है, और ऐसा प्लस के माइनस के रूप में रहेगा तो उधर जाएगा तो उसका उल्टा होगा। दो से भाग किया कितना आ गया x का मान? 65। x यानी बड़े कोण का मान आ चुका है, तो बड़े कोण का मान कितना हो जाएगा? बराबर 65 अंश। और दूसरा कोण उससे 40 कम है तो छोटे कोण का मान 40 घटा दीजिए, तो छोटे कोण का माप बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 65। तो 90 में से यहां नहीं दिख रहा है लेकिन मैंने आपको बोला है 90 माइनस 65। 90 माइनस 65 कितना होता है? आपको कितना होता है भाई? 25। तो दूसरा वाला कोण कितना होगा? 25 अंश का होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला है कि चतुर्भुज पी एन टी एन एक आयत है। पी एन टी एन क्या है? एक आयत है। तो हमें क्या करना है? संपूरक कोण की जोड़ियां लिखना है। क्या लिखना है? संपूरक कोण की जोड़ियां। तो संपूरक कोण की जोड़ियां मतलब होता है जिसका योगफल क्या हो? 180 अंश है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश। तो किसी के साथ कोई भी अक्षर का किसी के भी साथ जोड़ी बनाओ, वो सब क्या होंगे? संपूरक कोण होंगे। तो मैंने आपको यहाँ टोटल जोड़ियां बना दी, पी का एन के साथ, क्योंकि 90 प्लस 90 180, पी का एन के साथ, पी का टी के साथ, पी का नंबर हो गया था एन का एन के साथ, एन का टी के साथ, एन का पी के साथ पहले बन चुका है, एन का टी के साथ, इस तरह से छह जोड़ियां आपको क्या होंगी? बनेंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला है कि ए का मान अगर 70 है तो इसके कोटि पूरक कोण और संपूरक कोण का मान निकालना है।
तो सिंपल सी बात है, कोटि पूरक निकालना रहेगा तो 90 में से घटाओगे और संपूरक कोण का मान निकालना रहेगा तो 180 में से घटा दो। तो 90 में से घटाया तो कोटि पूरक कोण का मान 20 आ गया, संपूरक कोण के लिए हमने क्या किया 180 में से घटा दिया तो 110 आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो गया कंप्लीट हो गया। कोण ए तथा बी परस्पर क्या है संपूरक कोण है, बी का मान ये है, ए प्लस बी बराबर कितना होगा 180 तो भी संपूरक कोण, तो ए की जगह ए बी की जगह एक्स प्लस 20 बराबर 180। अब ये प्लस प्लस ये दोनों नंबर यहाँ गए तो माइनस माइनस हो गए, तो 180 में से 20 घटा 160 और